क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोई कोई पता क्या होता है, अपने अंदर है ना पोटेंशियल होता है, हर इंसान के अंदर पोटेंशियल है, ऐसा नहीं है, बस उस पोटेंशियल में कंसिस्टेंसी मिलनी चाहिए। आपको पता है सीए का रिजल्ट हार्ड नहीं है, मैं आपको एक रियलिटी की बात बता देता हूं, सीए का रिजल्ट हार्ड नहीं है सच, बस सीए कंसिस्टेंसी मांगता है। क्या मांगता है बेटा? आप रेगुलर पढ़िए, मैं आपको कहता हूं अगर आप रेगुलर पढ़ोगे, और मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूं, क्या देता हूं बच्चों, एक एश्योरेंस देता हूं, खुद बता रहा हूं मैं आपको कि आप दिन के रोज 6 घंटे मत पढ़िए, आईएएस नहीं बनना, लेकिन 3 घंटे रोज पढ़िए। थोड़ा समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोफेशनल कोर्सेस में, और जो इस बात को समझ लेगा मैं आपको सच बता रहा हूं उसको फायदा मिलेगा। ये आपकी 12वीं वाली नहीं है कि कयामत की रात आएगी 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं बिल्कुल क्लियर कट बात कर रहा हूं और क्लियर कट वर्ड्स में बात कर रहा हूं, अगर किसी के अंदर अभी वही भूत भरा हुआ है तो निकाल दो। और सीए कोई चेक करने वाला प्रोफेशन नहीं है मेरे बच्चे, इट इज अ हार्ड कोर प्रोफेशन, ऐसा नहीं है, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू जब भी है क्योंकि ये सबके लिए, हर कोई डिजर्विंग नहीं है इसके लिए, हर कोई डिजर्विंग क्यों नहीं है, हर कोई डिजर्विंग क्यों नहीं है, क्योंकि सबके अंदर सेम कंसिस्टेंसी या सेम डिटर्मिनेशन नहीं है। लॉजिक समझ रहे हो मेरी बात आपको? तो आप फ्रॉम द जीरो में आपको बिल्कुल कहूंगा कि आप बिल्कुल कंसिस्टेंट रहिए, आपको ही फायदा मिलेगा। दवाइयां आप, डॉक्टर आपको दवाइयां देता है, तो जब डॉक्टर आपको दवाइयां देता है क्या इट इज अ प्रैक्टिकल पॉसिबल कि 4 खुराक की 1 खुराक बना लोगे तो क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो डॉक्टर क्या कहता है, भाई 4 घंटे से पहले मत लियो, या 6 घंटे का गैप करियो, या 2 गोली होती है 500 mg की, उसमें भी पहले क्या कह देता है, वो भाई आधी आधी ले लियो अगर तू थोड़ा सा वीक है तो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिल्कुल सच है ये, बिल्कुल फैक्ट है, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा बच्चों। तो अब आप मेरी बातों का अर्थ भी समझ गए होंगे, पढ़ाई का भी एक नियम है, एक रेगुलरिटी है, एक साथ मत पढ़ो, कुछ समझ में नहीं आएगा उड़ जाएगा, लेकिन अगर रेगुलर नहीं पढ़े, अगर क्या नहीं पढ़े बच्चे, रेगुलर नहीं पढ़े तो दिक्कत में चले जाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और वो दिक्कत अभी से ही शुरू होनी शुरू हो जाएंगी। तो बी क्लियर इन योर माइंड, आप जितने भी सीए के टॉपर्स हैं आप उनके कभी देखिए उन्हें, वो एक ही बात बोलेंगे, बी कंसिस्टेंट एंड बिकम द सीए। बताइए कितना सिंपल सा फंडा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक 2 लाइनों में सीए की कहानी खत्म कर दी, क्योंकि सीए की कहानी 2 वर्ड्स की है, बी कंसिस्टेंट बिकम सीए। कंसिस्टेंट बोले तो क्या, आपको रेगुलर रहना है, क्या रहना है आपको बच्चे, रेगुलर रहना है, रेगुलर अपनी पढ़ाई करनी है, जरूरी नहीं है 8 घंटे पढ़े, आपकी औकात नहीं है आप 3 घंटे पढ़े, पर रेगुलर पढ़े। मेरी बात शायद आपके समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों, केवल है ना, यू नो, हंसी मजाक एक अलग चीज होती है और करियर मजाक से अलग हटकर होता है। हंसी मजाक अपनी जगह रोल प्ले करती है, हंसी मजाक आपको मोमेंटली रिफ्रेश कर सकती है, और करियर आपको लाइफ टाइम खाने को देगा। अब फैसला आप लोगों का है कि आपको कौन सा कंफर्ट चाहिए, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए बच्चे लोग, ओके, एंड पुट योरसेल्फ इनटू हार्ड रूम, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, बी क्लियर योर माइंड, वन थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट टू बिकम अ सीए एंड दैट इज बी परसिस्ट, बी व्हाट, कंसिस्टेंट, बी व्हाट, डेडिकेट, सीख जाओगे, गारंटी से कहता हूं सीख जाओगे, लेकिन अगर रेगुलर रहोगे। साइकिल सीख चलाई, सीखी है सब लोगों ने, क्या हुआ, चाहे सुबह थोड़ी सी चलाई, शाम को भी चलाएंगे, सुबह भी चलाएंगे, या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल था कि 15 दिन एक बार चलाई, फिर 15 दिन बाद चला रहे हो, सीख सकते हो ऐसे साइकिल? तो आगे अब तुम समझदार हो, मैंने समझा दिया। तो नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि बहुत जल्दी आपका टेस्ट होने वाला है, इन द नेक्स्ट वीक, क्या होने वाला है, क्लियर? तो मिलते हैं, देखते हैं है कितना दम, एंड वेरी गुड मॉर्निंग, ओके, देन वी विल स्टार्ट।
और आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने से पहले ही एक बार फटाफट 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 लास्ट की क्लास का कुछ याद है हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पहला क्या था आपका? सेक्शन 9। दूसरा क्या था? तीसरा सेक्शन, 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 यहां तक कहानी आ गई थी। फटाफट आई बात समझ में सर? सेक्शन 9 जल्दी क्लियर। जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पापा की तीन परी, पापा की याद आ गया। बेटा आप जो पहली क्लास में बैठा है वो बताइए, एक आप बैठे हैं, एक आप नहीं, आप पहले स्टूडेंट हो। हाँ जी आप बच्चे कुछ पीछे का पढ़कर आए हैं आप लोग, मेरी क्लास बस सीधा आए हो। तो मैडम से पूछा आपने कि टॉपिक नया है पुराना है? मैडम पुराना है, समझोगे कैसे? आज ये मानकर बैठना कि आपको समझ में नहीं आएगा, जो समझ में आ जाए वो भगवान के देन है, ठीक है बेटा? लेकिन फिर भी तो जनरल ड्यूटी ऑफ अ पार्टनर, पार्टनरशिप एक्ट के बारे में तो जानते ही होंगे, ठीक है? जनरल ड्यूटी ऑफ द पार्टनर, पापा की कितनी परी? तीन परी। क्या गया जल्दी जल्दी बताओ, पहला सबके भले के लिए काम होगा, दूसरा, तीसरा याद आ गया? किसी को आप भी डाउट है तो जल्दी बताओ, लास्ट क्लास में नहीं आया होगा। हाँ पॉइंट समझ में आ गया, पहला क्या था? सबके बेनिफिट के लिए काम करेंगे सीख ले, दूसरी ड्यूटी क्या थी? एक दूसरे के लिए लॉयल रहेंगे, फेथफुल रहेंगे, कमीशनबाजी नहीं करेंगे। तीसरी क्या थी ड्यूटी? देर अकाउंट बनाएंगे क्या? ट्रू एंड पॉइंट क्लियर। सेक्शन 10 पार्टनरशिप का जल्दी बताओ क्या? अच्छा सेक्शन 10 क्या था? मुझे नहीं आया समझ में, क्या था सेक्शन 10? इंडेमनिफाइड लॉस। अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है और उससे फर्म को नुकसान होता है, सही बात है, तो वो क्या करेगा? कंपनसेट करेगा फर्म को उस लॉस को, ठीक है? तो लिख दूं लॉस याद रहेगा। सेक्शन 11 जल्दी बताइए क्या राइट और ड्यूटी? मैं और आप पार्टनर हैं, हमारे बीच में क्या राइट है क्या ड्यूटी है, इसे कौन सा डॉक्यूमेंट डिसाइड करेगा? राइट एंड क्या ड्यूटी किसके बिटवीन? पार्टनर आर डिटरमाइंड बाय, ये तो याद हो गया। चलिए सेक्शन 12 क्या था बच्चा? राइट ऑफ राइट, सबको पता है? अब चुप है। हाँ जी राइट्स ऑफ पार्टनर सबको पता है, राइट पार्टनर्स के? दोबारा पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग अगेन, सबको पता है नहीं पता है? मेरी क्लास में डेड बॉडी की तरह मत रहना, मैं पूछता हूं, सबको पता है? बिटिया पता है राइट, पार्टनर के राइट पता है? यस मैम आप, हाँ जी आप बताइए प्लीज जल्दी। यस यस, जो माइनर पार्टनर होता है वो प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं। यस और कुछ जल्दी 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 बताओ। आपको ये भी याद नहीं है, एक ही बात हाँ, तो एग्जैक्टली ही तो चाहिए मैडम, याद का मतलब क्या है? मैं कह रहा हूँ हनुमान चालीसा सुनाओ, तुम शंकर चालीसा का पाठ पढ़ने लगे, है बेटी? एग्जैक्टली तो चाहिए, याद का मतलब क्या है? पहला शेयर द प्रॉफिट, दूसरा एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, दो थे, तीसरा जल्दी बताओ मुझे याद नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, याद आया? चौथा राइट टू बी कंसल्टेड, याद आया? पांचवा क्या था?
राइट टू बी पॉइंट क्लियर हुआ. सेक्शन 14 प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. क्या क्या फॉर्मूला बताया था? जो लाया जो कमाया और जो नाम कमाया. कैपिटल ब्रोट प्रॉफिट अर्नड प्रॉफिट अर्नड और प्लस गुडविल. तीन चीज क्या मानी जाती हैं फर्म की? क्लियर हो गया? यहां तक ही थे हम? कोई डाउट बेटा यहां तक बताइए आप लोग. चलते हैं आगे. चलूं सेक्शन 14 बोले तो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म. सेक्शन 13 हमने नहीं पढ़ाया था? कोई नहीं नहीं हाँ जी जरा यहां पर लिखिए. मैं और आप पार्टनर हैं. क्या है बच्चे? थोड़ा समझना. मैं और आप पार्टनर हैं और उस फर्म की एक गाड़ी है. क्या है फर्म की है? वो जो फर्म की गाड़ी है इसका मतलब क्या है? वो फर्म के यूज के लिए. सीधी बात. बिजनेस में कोई गाड़ी होती है उसका क्या मतलब होता है? यूज किसमें होगी? मैंने वो गाड़ी उठाई और भाई तो घूमने निकल गया. मैं मजे ले रहा हूं उससे. समझना मेरी बातों को. तो क्या ये बात सही है? क्यों सही नहीं है? फर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी फर्म के लिए. खेल खत्म. सीधी बात. नो बकवास. क्या कह रहा हूं मैं? और अगर कोई पार्टनर फर्म की प्रॉपर्टी को पर्सनल यूज में यूज करता है. समझना बिल्कुल टेक्निकल बात है. किसमें करता है? तो ये फिर हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका? उस चीज को क्या मान लिया जाएगा? ड्रॉइंग्स. क्या मान लिया जाएगा उसे? लॉजिक समझ में आया नहीं आया? मान लीजिए हमारी और आपकी फर्म है और उसमें हम जो है साबुन बनाते हैं. क्या बनाते हैं बेटा? मैं शाम को चला 5 टिकिया उठाई साबुन की और अपने घर ले आया. आप अकाउंटेंट है उस फर्म के तो उन 5 साबुन का क्या ट्रीटमेंट करोगे आप? उसे उसकी जो पार्टनर लेकर आया उसकी कैपिटल में से क्या कर दोगे? क्यों कर दिया आपने ऐसा? क्या प्रिंसिपल दिमाग में रखकर करा ऐसा? क्योंकि जो फर्म की प्रॉपर्टी है जो क्या है बेटा? वो यूज कहां होनी चाहिए? और अगर उसका कोई क्या करता है तो वो क्या मान ली जाएगी? बिल्कुल जनरल सी बात है. इसमें तो कोई कानून समझने की जरूरत भी तो नहीं है. तो मैंने जस्ट आपको एक स्टोरी की तरह बता दिया. आप जरा पढ़ें. हाँ जी आप जरा कोई मेरी बात को अगर समझ गया हो तो वो उसके बात समझ में आ जाएगी. देखिए जरा पॉइंट पढ़े. एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म. एप्लीकेशन का क्या मतलब है यहां पर? यूज. एप्लीकेशन का क्या मतलब है? समझ के चलना मेरी बात को. अच्छे एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म सेक्शन 15. अभी क्या बताया था मैंने? नॉर्मल द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी यूज फॉर द
shall be used for the personal use. The property of the firm shall be used only for the purpose of the firm, not for the personal use of a partner. बिल्कुल समझ गए? अब जरा यही बात लिखी हुई है, जरा ढंग से समझ। Subject to the contract between the partner, यहां पढ़िए, the property of the firm shall be held and used by the partner exclusively किसे बोलते हैं? Only for the purpose of the business. खेल खत्म। वही बात, मेरी बात या ये वाली बात अलग अलग है बच्चों? सबको समझ में आया? तो लिखो सेक्शन 15 के आगे फटाफट अपनी लैंग्वेज में लिखो, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म शैल बी यूज ओनली फॉर द पर्पज ऑफ द फर्म। सेक्शन 15, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म shall be used only for the purpose of the firm. बात खत्म। इसी को आगे क्या लिख सकते हो? If any partner, लिखो, if any partner use the property of the firm, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, if any partner use the property of the firm for his personal use, if any partner use the property of the firm for his personal use, कौन से use के लिए करता है? Then it considered as drawing. क्या मान लिया जाएगा उसे? Drawing मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा भाई? मान लीजिए, ये तो तुम करके भी आए, कोई नई चीज नहीं है। देखो, मान लो एक पार्टनर है, उसकी कैपिटल है फर्म में, एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 लाख की। कितने की बच्चों? 1 लाख। उसकी कैपिटल फर्म में है 1 लाख रुपए की। कितने लाख रुपए की बेटा? अब क्या करता है पार्टनर? फर्म की एक कार है। फर्म की क्या है? बात समझ में आया? इसे पर्सनल यूज में करता है। क्या करता है और कितना यूज करता है इस प्रॉपर्टी का? फॉर एग्जाम्पल 10,000 के बराबर। कितने के बराबर? समझ रहे हो? तो क्या करेंगे आप, बीइंग एन अकाउंटेंट, आप क्या करेंगे? कितनी कैपिटल रह गई इसकी? ठीक है ना, समझ गए ना, समझ गए मेरी बातों को? ये जो 10,000 है जो इसने पर्सनल यूज में प्रॉपर्टी करी, हमने इसे क्या मान लिया? क्या मान लिया बच्चों हमने इसे? पॉइंट क्लियर हुआ? लॉ को अकाउंट के साथ मिक्स करके पढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा? ये जी चले आगे चलते हैं। अब एक बंदा है, सुनिए, मैं पार्टनर हूं, आप पार्टनर है, ध्यान देना मेरे एग्जांपल को। मैं और आप पार्टनर हैं, फर्म की एक कार है। फर्म की क्या है? मैं रात को अपने घर ले गया। अच्छा, वो जो फर्म की कार है मेरी कार है, पहले ये बताइए। मैं रात को घर जा रहा था, एकदम जो है एक बंदा मिला, कहने लगा यार मुझे हरिद्वार तक छोड़कर मैं 50,000 रुपये दूंगा। मतलब क्या प्रॉब्लम है यार, ना के भी आ जाऊंगा उधर से, घूमना मेरा भी हो जाएगा, क्यों भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना? मैं कहने लगा भाई बैठ, 50,000 रुपये पहले गूगल पे करो, पहले एडवांस में पैसा। भाई
सुबह आया, 50,000 रुपये कमाकर अपने घर आया। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये कैसा प्रॉफिट है? फर्म का प्रॉफिट है या पर्सनल प्रॉफिट है? पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनर बाय द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। समझो मेरी बातों को, ये बिल्कुल क्लियर है एग्जाम्पल यहां तक? लेकिन क्या है, 50 का 50 मेरा है, 25 दूसरे पार्टनर का भी है? एक कहावत सुनिए, खरबूजा कटेगा सब में बटेगा। सुनो, यस, ये खरबूजा जो है ना, ये पर्सनल प्रॉफिट है। ये खरबूजा क्या है? क्योंकि उसने वो जो पर्सनल प्रॉफिट कमाया वो अपनी कार से नहीं कमाया, किससे कमाया? समझे इस बात को? नहीं समझे? यानी कि इफ एनी पार्टनर, लिखो फटाफट फटाफट, खत्म कर देते हैं सेक्शंस को। सेक्शन 16, सेक्शन 16, इफ एनी पार्टनर अर्न्ड, मैं लिख दूं यहां पर बेटा, साथ के साथ मैं लिख भी देता हूं। If any partner earned personal profit, कौन सा profit बेटे? By using the प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल और दे सकता हूं। Then such profit बांट दो, इज क्या डिवाइडेड या डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर ऑफ द फर्म। आप समोसे की दुकान पर काम करते हो, समझना मेरी बातों को। आपने 200 समोसे बनाए, 200 समोसे बेच दिए, अब जिसकी दुकान पर काम, अरे बच्चे ध्यान दे, बहुत प्रैक्टिकल सा एग्जांपल है, ठीक है? शाम को 4 ग्राहक आए, आपने क्या करा, 4 समोसे उन्हें पकड़ाए, पैसे जेब में लगाए। भाई किसका पैसा है ये? आपका पर्सनल पैसा है या दुकान का पैसा है? क्यों? क्योंकि आप वो जो समोसे बने हैं वो दुकान की कढ़ाई, दुकान की गैस, दुकान के आलू, कॉन्सेप्ट क्या है? क्लियर? समझ गए आप? कोई दिक्कत हुई बच्चे इस सेक्शन में प्लीज बताएं। सेक्शन 15 क्लियर? 15 क्या कह रहा है? हाँ, सॉरी क्या कह रहे हो? हाँ, आप 15 के साथ 16 के घुसा रहे हो, 15 को अलग करो, 16 अलग करो। हाँ, तो हमने किस में से काटी थी 15? एक मिनट, आ गया अकाउंट का ज्ञान है। आ जाओ, मुझे बेटा थोड़ी कम नो लीजिए, आ जाओ, आराम से समझूंगा, जल्दी से नहीं, आराम से, क्वेरी नहीं छोड़नी बच्चे की। और बताओ इसके साथ किसे किसे क्वेरी है? अभी एक मुझे ये तो बता दे, सेक्शन 15 की बात कर रही है 16 की बेटी?
मेरे लाल, है ना, समझ रही है? एक मयान में दो तलवार मत घुसा। सेक्शन 15 बिल्कुल एक अलग बात करता है और सेक्शन 16 बिल्कुल अलग बात करता है। हाउ इंटरमिंगल्ड बेटा, व्हाई? एक मिनट, एक में वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, इसलिए वो ड्रॉइंग्स है, अब समझ। दूसरे में फर्म की प्रॉपर्टी यूज कर रहा है प्रॉफिट अर्न के लिए। समझ गई मेरी बात बेटा? रिजल्ट क्लियर? चले आगे। अब क्लियर हुआ बेटा? बात नहीं आई समझ में? दोनों का अंतर, टेक्निकलिटी भी अंतर नहीं आया बिटिया? आए नहीं तो फिर मुझसे पूछना क्लास के बाद। और किसी को कोई डाउट इसमें? और कोई इसमें इंटरमिंगल करेगा? चले आगे। सेक्शन 16 क्लियर मेरे बच्चों? चले जरा एक एग्जांपल पढ़ते हैं प्लीज। बच्चों देखो, शोर मत मचाओ, और आपको क्लियर होगा। जरा ये एग्जांपल नंबर 3 पढ़िए, हर कोई ट्राई कीजिए। ओके बेटा, एक मिनट, आप सही है बच्चों? चलिए प्लीज, एक बार पहले एग्जाम्पल पढ़ो। दिख तो रहा है सबको? ए बी सी डी क्या बनाई उन्होंने? पार्टनरशिप बनाई शुगर को रिफाइन करने के लिए। ए क्या था जो? चलिए फिर जल्दी जल्दी, जिसको समझ में आया पहले वो हाथ उठाना जल्दी। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 पढ़ो, 3, 4 जल्दी जल्दी, 2 मिनट दे रहा हूं। जल्दी पढ़िए। जिसे समझ में आ जाए एग्जाम्पल नंबर 3 जल्दी जल्दी हाथ ऊपर कर देना। और मुंह बंद कर। बस एक छोटा सा क्लिंच है, उधर समझा तो आ जाएगा। ये केस स्टडी ऐसी तैयार होगी, इसलिए तुम्हारी ये मेहनत अभी ड्यूरिंग क्लास करा रहा हूं। रजिस्ट्रेशन करवा लो मैडम के पीछे। करेंगे बेटा जब मैम से आप बोलोगे ना जाके करेंगे। सीए करेगी लड़की। आइए देखिए,
मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं भाई, चार पार्टनर है, ए बी सी डी, क्या है? ए जो है ना वो अनुभवी है, बाजार का एक्सपीरियंस वाला बंदा, उसे पता है कि कब चीनी खरीदनी है, होलसेलर है ना, होलसेलर को मार्केट वेरिएशन का सबसे ज्यादा ज्ञान होता है एज कंपेरेबल टू रिटेलर आल्सो। होलसेलर क्या होता है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, अभी जो सरसों है, आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं प्रैक्टिकल, किसान से व्यापारी सरसों खरीद लेगा, मोटी मोटी बात कर रहा हूं मैं आपको, 5,000 रुपए क्विंटल, और एक महीने बाद वही सरसों इन द टर्म ऑफ वही सरसों 8,000 रुपए हो जाएगी, वेरिएशन ऑफ द मार्केट। एक महीने में 5,000 रुपए पर कितना कमा गया, दिमाग लगा लेना कितनी परसेंटेज की ग्रोथ है, और वो भी कितने कम टाइम में। समझ गए? तो क्या हुआ बेटी, फोन अलग रख दे, ठीक है? तो क्या हुआ कि जो है ए ने क्या करा, ए ने कहा बेटे अब तो जो है बहुत सारी शुगर खरीद ली जब कम प्राइस पे थी अपने नाम में, और जब शुगर का प्राइस बढ़ गया वो शुगर किसे बेच दी, फर्म को। समझ के चलना, क्या कमाया उसने, क्या खरबूजा बटेगा, सोचो बटेगा नहीं बटेगा जरा बताइए, बटेगा। समझ रहे हो? क्योंकि उसने जो खरीदी ना वो बींग एन पार्टनर खरीदी, क्या खरीदे बेटा, यार फिर तो बढ़िया, सस्ते में माल खरीदो अपने पर्सनल नाम में और महंगे में किसको बेच दो, फर्म, मतलब तुम्हारा, तुम्हें पता है तुम्हारा सेलर तैयार है, फर्म क्या हो गई आपके लिए फिर। समझ में आया नहीं आया बात, पॉइंट समझ में आया? अब जरा ये वाला एग्जांपल सुनो, ए बी सी डी इन्होंने क्या काम करा कि हम विदेश से क्या लाएंगे, इंपोर्ट करेंगे सोल्ट, क्या करेंगे इंपोर्ट। अब एक पार्टनर ने क्या करा, जब वहां पर नमक मंदा था वहां से खरीद लिया और महंगे रेट पर किसे बेच दिया, क्या कमा गया बीच में, क्या ये प्रॉफिट डिवाइड होगा या नहीं होगा। पॉइंट क्लियर हुआ? पॉइंट किसी को आप बताइए डाउट हो तो, किसी को नहीं तो आगे चलता हूं। हाँ बेटा बोलिए। यस आप बच्चे आप, हाँ हाँ जी, सबको क्लियर हुआ? मैं दोबारा पूछ रहा हूं बच्चे, इस लड़की का चेहरा कह रहा है इसे क्लियर नहीं हुआ, बेटी क्लियर नहीं हुआ, बच्चे नहीं हुआ, कौन से वाला एग्जांपल क्लियर नहीं हुआ है बेटा, ये थर्ड वाला, ले दोबारा सुन ले, अब इसे मैं पढ़कर सुनाता हूं, ठीक है? देखिए ए बी सी डी एस्टेब्लिश पार्टनरशिप बिजनेस फॉर रिफाइनिंग शुगर। ए बी सी डी ने क्या करा, एक बिजनेस रखा, हाँ वो क्या करते थे, क्या करते थे बेटा, शुगर को क्या करते थे, रिफाइन, यानी कि रो शुगर खरीदते थे उसे प्योर करते थे और फिर प्योर शुगर आगे बाजार में बेचते थे। पॉइंट क्लियर यहां तक बेटा, ध्यान दे हर कोई। ए हुवाज हिमसेल्फ, ए क्या था, हुवाज हिमसेल्फ अ होलसेल ग्रोसर, वाज इंटरेस्टेड विद वर्क ऑफ सिलेक्शन एंड परचेज ऑफ शुगर। ए का काम क्या था इसमें, ए का काम क्या था कि मार्केट से, भाई तू होलसेलर है तू, क्योंकि जब भी रिफाइनरी का काम करोगे रिटेल बेसिस तो करोगे नहीं, किस बेसिस पर करोगे, ठीक है बेटा, कि तुझे बाजार का अच्छा ज्ञान है, कब बाजार से तुझे खरीदना है ये तू डिसाइड करेगा। ए का काम समझ में आया बेटा, यहां तक समझ में आया? आगे, एज अ होलसेलर ग्रोसर ए वाज अवेयर ऑफ द वेरिएशन इन द शुगर मार्केट। उसे अच्छी तरीके से शुगर बाजार की ज्ञान था कि कब चीनी महंगी होती है और कब क्या होती है। पॉइंट क्लियर हुआ? एंड हैड द सुटेबल सेंस ऑफ प्रॉपर्टी एज अ रिगार्ड परचेज ऑफ शुगर ही हैज ऑलरेडी। अब उसने करा क्या, समझना यहां से समझिए, पहले यहां तक तो फैक्ट चले, इसके क्या चले, फैक्ट। अब क्या है यहां से चलिए, ही हैड
ऑलरेडी इन स्टॉक ऑफ शुगर परचेज एट अ लो प्राइस, उसने पहले ही क्या कर रखा था, अब जैसे ही चीनी का रेट चढ़ा बाजार में, उसने वो ही लो प्राइस वाला शुगर किसको बेच दिया। क्या क्या ये जो काम है ये बेनिफिट फॉर ऑल द सेक्शन 9 को पूरा कर रहा है? याद करो सेक्शन 9 क्या कहता था, सेक्शन 9 क्या कहता था बच्चों जल्दी बताओ, जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो एक पार्टनर के लिए होंगी या फर्म के बेनिफिट के लिए होंगी? क्या ये वाली जो ट्रांजैक्शन इस पार्टनर ने की ये फर्म के बेनिफिट के लिए की बट्टे? कम स्टॉक, जब चीनी सस्ती थी तो जब भी वो फर्म के नाम में खरीदता उसने क्या दिमाग लगाया, मार्केट से क्या करा। देखिए ये मार्केट है, ये क्या है बेटा, मार्केट है, ये मिस्टर ए है और ये फर्म है, ऐसे तो हो रहा है। फर्म क्या है, ए, फर्म में कौन है बेटे, ए बी सी डी। करा क्या बंदे ने, करा क्या, जब मार्केट किसकी है, शुगर की, लो प्राइस पर किसके नाम में खरीदा और फिर हाई प्राइस पर किसे बेच दिया मेरे भाई? बढ़िया, ऐसे तो बायर मिल गया खड़ा खड़ा, क्यों? और बीच में क्या कमा गया, मान लो लो प्राइस पे 20 रुपए केजी यहां पर खरीदी चीनी उसने और फर्म को बेच दी 25 रुपए केजी भी बेच दी, तो एक किलो पर कितना फायदा रह गया और ये हजारों किलो मोटा पैसा कमा गया, कमा गया नहीं कमा गया मोटा पैसा। तो अब यार रूल 9 पूरा करा, सेक्शन 9 पूरा हुआ क्या? सेक्शन 9 क्या कहता है लड़की, सेक्शन 9 क्या कहता है, जो भी जनरल ड्यूटी ऑफ द पार्टनर क्या है, जनरल ड्यूटी ऑफ द पार्टनर क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो एक पार्टनर के लिए नहीं होंगी, एक पार्टनर के भले के लिए नहीं होंगी, कॉमन बेनिफिट ऑफ द होल फर्म। पॉइंट क्लियर हुआ माय लॉर्ड? यस सर। बेटा क्लियर हुआ? डन, समझ में आया? चलो आप भी बता दो, किसे नहीं समझ में आया, आ गया कैसे पास में प्रॉफिट वाला कंसेप्ट है यहां? ठीक है चले, आप जरा ये एग्जांपल भी देख लो, ये तो आपको तो आ जाना चाहिए बेटा, देखना एक बार दोबारा पढ़ो ये वाला एग्जांपल नंबर 4, अब तुम ट्राई करो क्या हुआ है इसमें, फैक्ट्स क्या है। जल्दी बताऊं या चलूं आगे बेटा, जल्दी बताइए, बता दूं क्या समझ में नहीं आया, ये ऐसा इतना हैंडीकैप मत बनो बेटा, क्या नहीं समझ में आया, कहां जाके बात अटक रही है वो पूछ जल्दी। हाँ बिल्कुल, लो जी टाइम लो मैम, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तुमसे ही पढ़वाना है, घर किताब तुम्हें पढ़नी है जाके, इसलिए तो मैं तैयार कर रहा हूं मैं ये चीज, मैं तो 10 बार बता दूंगा मेरा कितना टाइम लग रहा है। बहुत आसान है, पता नहीं क्या ए स्ट्रक, एनिक ए स्ट्रक सर्टेन ट्रांजैक्शन साल्ट ओनी जोन अकाउंट, वही वाला काम है जो शुगर में हुआ था, नमक जो इंपोर्ट करा उसने पहले अपने पर्सनल नाम में करा, सस्ते में और महंगे में किसे बेच दिया, क्या है पर्सनल प्रॉफिट। जैसे वहां पर क्या करा था उसने, चीनी क्या करा था, पॉइंट क्लियर हुआ? अब
पढ़ लो फिर भी। बाद में दिक्कत है। हाँ जी, क्लियर हुआ बच्चे? अब हम बात कर रहे हैं। अच्छा एक बार बताइए, मैंने कल तुम्हें एक चीज बताई थी, क्या हो गया? कोई बात नहीं, चेंज इन फॉर्म। हाँ बच्चों, फॉर्म में चेंज कब होता है बताइए प्लीज? याद है मैंने क्या बताया? आप पहले जैसे नहीं। और फॉर्म कब बदलती है? जब एक नया पार्टनर आ जाए। मान लो एक छोटी सी बात, एक बिल्कुल साइड में एग्जांपल समझते हैं। पहले फर्म में पांच पार्टनर थे, क्या थे मेरे भाई? अब अगर ये पांच के छह हो जाएं, तो फर्म बदल गई। पांच के चार हो जाएं, तो फर्म बदल गई। पहले फर्म छोले भटूरे बनाती थी, अब मोमोज बना रही है, तो क्या पहले जैसी रही फर्म? पहले मम्मी आपको क्या करती थी? खाना खिलाती थी मेरे बच्चा, और अब चप्पल खिलाती है। तो मम्मी बदल गई नहीं बदल गई? समझ रहे हो मेरी बातों में? मम्मी बदल गई भाई, नहीं आप बतमानो इस बात को। अब चाहते हो आप बदल गए, या मम्मी बदल गई, या मम्मी का नेचर बदल गया, या आपका बिहेवियर बदल गया? कुछ तो बदला है साहब, सही बात है भाई गलत है? जब आदमी पहले जैसा नहीं रहता तो कुछ तो बदलता है। तो ऐसे ही फर्म में आइए। अच्छा भाई, ए लड़की आप बताएंगे पांच के छह पार्टनर कब होते हैं? जब इनकमिंग पार्टनर का केस हो। एग्री? और पांच के चार कब होते हैं? आउटगोइंग बोले तो डेथ या रेजिग्नेशन। हाँ पॉइंट क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? और तीसरा केस क्या है? पहले फर्म क्या बनाती थी, अब क्या बना रही है? चेंज इन द बिजनेस हो जाए, क्या हो जाए? पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। कुछ पार्टनर के फर्म चेंज होने पहले से राइट, पहले वाले राइट, और चेंज होने के बाद वाले राइट में कुछ फर्क आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा ना मेरे भाई, अनलेस अदरवाइज एग्रीड। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सेम सेम। क्या याद करेंगे? राइट सेम सेम रहेंगे, पार्टनर चेंज हो सकते हैं। देखो नंबर ऑफ पार्टनर चेंज हो सकते हैं, सुनते रहो। क्या बोलेंगे हम? नंबर ऑफ पार्टनर चेंज हो सकते हैं, या क्या चेंज हो सकता है भाई? नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो सकता है। लेकिन राइट बिफोर द चेंज एंड आफ्टर द चेंज आर सेम सेम, याद रहेगी? लिख लो इतनी सी बात। सेक्शन खत्म। ये एक पेज की बात बता दी मैंने तुम्हें। हाँ जी तो वो भी बेटा वो हो गया ना, और माइनस में किधर भी लगा ले हिसाब किताब। पांच के चार कर ले, कैसे कर ले? इंसॉल्वेंट हो गया वो आउटगोइंग हो गया।
किसको मेरी ये बात समझ में नहीं आई जो मैंने अभी बताई? आई? क्या आया बता बेटा? यस बता, क्या आया बच्चे? हाँ हाँ ले बता इसमें। हाँ बच्चे, किसे ने, किसे नहीं आई? मैं दोबारा पूछ रहा हूँ, सेक्शन 17 को दोबारा पूछ रहा हूँ, किसे नहीं आया? बहुत प्यारा सेक्शन है, एकदम मेरे जैसा, जल्दी बताओ बेटा तुझे आया? हाँ बच्चे, कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया? ये तो बेटा आपको भी आ गया होगा, ये जो मैंने पढ़ाया है ये तो आपको भी आ गया होगा। एक नया बच्चा और था बेचारा। बच्चे आपको आया कुछ पल्ले पड़ रहा है? चलो ठीक है, ऐसा है ना बिल्कुल भी। आप देखिए, क्या पता सचिन सर झूठ बोल रहे हो, ये बात लो में ना लिखी हो, फ्रेंकली स्पीकिंग। भाई एक टीचर ने क्या कर रखा, अपने कंसेप्ट सेट कर रखे हो, ऐसा हो सकता है ना? तो चलते हैं इस चीज को प्रूफ करने। क्या चलते हैं इस चीज को? और प्रूफ करेंगे बाय द लॉ। क्या करेंगे बेटा? मैं क्या कह रहा हूं देखो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, प्रूफ तो जब करना पहले मेरी सुन लो। राइट एंड ड्यूटीज, यही तो बात हुई। एक ही चीज भाई, राइट को अकेले कोई ले सकते हैं? तुम्हारा घर में खाने का हक है क्या? रोटी, सदा चप्पल मत सोचा करो, कभी अपने आप को इज्जत भी दिया करो। तुम्हारा घर में खाने का हक है तो क्या बेटा सफाई करने का ड्यूटी नहीं है? अच्छी है, पता घर वाले क्या कहेंगे, होटल है यो घर ना, पॉइंट समझ रहे? ऐसे ही होता है, होता भी ऐसा भाई, होता भी है वो, ठीक है तुम्हें अभी बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन ये सच है कि जहां आपके राइट है, राइट कभी अकेला नहीं आता, साथ में ड्यूटी लेकर आता है। क्या लेकर आता है? पॉइंट क्लियर? अब राइट देखो, बहुत आसान समझना, राइट एंड ड्यूटी बिफोर चेंज ऑफ द फर्म। क्या बेटा? यानी कि पहले वाली स्थिति एंड आफ्टर द चेंज ऑफ द फर्म, ये बनाना बेटा, ठीक है? आफ्टर द क्या है? सेम सेम और चेंज ऑफ द फर्म के ग्राउंड क्या होते हैं? व्हेन फर्म बिकम चेंज, व्हेन फर्म बिकम चेंज, फर्म कब क्या हो जाती है? चेंज, बताइए। इन केस ऑफ इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर और चेंज ऑफ द बिजनेस ऑफ फर्म। पॉइंट क्लियर हुआ माई लोग? बिल्कुल क्लियर हुआ? चलते हैं आप बना रहे हो, पहले से बनाओ। लाइन बिफोर गोइंग इन टू द राइट एंड ड्यूटी, राइट एंड ड्यूटी आफ्टर चेंज या बिफोर द चेंज को समझने से पहले
हम क्या करते हैं, वी शुड फर्स्ट नो, हम पहले ये जान लेते हैं कि एक फर्म में चेंज किस किस तरीके से आता है। वी शुड फर्स्ट नो हाउ अ चेंज मे टेक्स प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। व्हाट डू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, संविधान इसे वैसे बोलते हैं, यहां क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ पार्टनर, नंबर ऑफ पार्टनर। पॉइंट क्लियर हुआ? अब पहला वही, कब कब चेंज होता है, चार तरीके से बताया साहब, कितने तरीके से बताया, चार तरीके से बताया। पहला, व्हेन अ न्यू पार्टनर और पार्टनर्स कम्स इन, यानी कि केस है इनकमिंग पार्टनर का, एग्री? दूसरा, एग्री करते हो इससे चेंज होगा नहीं होगा? पहले चार पार्टनर थे, दो नए आए, कितने हो गए, छह। अपने एग्जाम्पल में पूछते हैं, 4+1=5, 4 × 5, ये एग्जाम्पल बताया था बेटा। दूसरा, वेयर सम पार्टनर और पार्टनर गो आउट, किसकी बात हो रही है, आउटगोइंग पार्टनर, दो रूट हो गए, क्या क्या, चाहे तो डेथ हुई हो, क्या हुआ हो, रिटायरमेंट हुआ। तीसरा, वेयर द पार्टनरशिप कंसर्न कैरीज ऑन अ बिजनेस अदर देन अ बिजनेस फॉर विच इट वॉज ओरिजिनली फॉर्म, अभी बताया, छोले भटूरे से क्या हो गई, बनाई किसकी थी, छोले भटूरे की, जो हमने फर्म बनाई थी किसकी बनाई थी, लेकिन अब किस पे आ गई, क्या क्या हो गए, फर्म आप पहले जैसी, पॉइंट क्लियर हुआ। तीसरा, अब इसे जरा ढंग से समझ लो, मैंने एक चीज वैसे पहले बताई, फोर्थ पॉइंट, कोई बताएगा, है कोई माइका लाल जो इस कंसेप्ट को बता दे, हाँ चलो ना कह रहे, चलो ऐसा ना कह रहे, क्या कह रहे हो, आग लगा देंगे सर, तड़ तड़ कर देंगे, तड़ तड़ ए अरे लोग एक मिनट, फोर्थ पॉइंट जरा दिमाग लगाए, मैंने बताई हुई बात है, आपको बताई थे बेटा ये बात, तो मैंने पहले, कौन ऐसा बच्चा जिसे ये वाली बात समझ में नहीं आई हो, पहले वो हाथ ओपन करें, मैं आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना चला था, हाईली अप्रिशिएबल, गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हाँ जी वो कनेक्शन जरूरी है, ऐसा नहीं है कि जो है आगे का पढ़ते जा रहे हैं पीछे का साफ होता जा रहा है, वो रटा हुआ ज्ञान होता है। हाँ जी बताएं, कुछ याद करो, पहले मैंने एक फर्म बनाई, चलो यही साथ के साथ टाइप ऑफ द पार्टनरशिप फर्म पे आते हैं, ध्यान दें, जो बच्चे नए आए हैं वो भी ध्यान दें, दो चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइप्स ऑफ पार्टनर और टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, याद है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप मैंने दो बताई थी, एक ऑन द बेसिस ऑफ विल, सॉरी एट विल, और एक फिक्स पीरियड वाली, पर्टिकुलर पीरियड वाली, याद है, फिक्स विल वाली क्या होती है, जरा ध्यान दें बच्चे, पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, मैं और आप, चाइना पार्टनरशिप होती है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम, दोस्ती जैसी होती है, दोस्ती जैसी हो जाती है, शादी जैसी होती है, चल जाए तो 7 जन्मों का रिश्ता है, और ना तो 7 दिन में तलाक है, समझ गए मेरी बातों को, तो पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से क्या कहता है, भाई जब तक तेरा मन लगे मेरे साथ काम कर लियो, जिस दिन जो है तुझे मुझसे एलर्जी होनी शुरू हो जाए मुझे नोटिस दियो और निकल जाइए, तो कोई सर्टेन पीरियड नहीं है कि कब तक फर्म चलेगी, तो पार्टनरशिप एट विल, विल का मतलब है यहाँ इच्छा ऑफ द पार्टनर, विल का मतलब क्या है यहाँ पर, इच्छा ऑफ द पार्टनर, पॉइंट क्लियर हुआ। पार्टनरशिप फॉर द फिक्स पीरियड क्या थी, एक पीरियड डिसाइड था, क्या था बेटा, एक
पीरियड डिसाइड था 5 साल, 4 साल, 6 साल, 2 महीने, 3 महीने, एक फिक्स पीरियड था। क्या था बेटा? एक पॉइंट क्लियर हुआ। अब एक चीज और मैंने बताई थी कि अगर एक पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड है, क्या बेटा? पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड है। मान लो आपने एक फर्म बनाई 5 साल के लिए, तो अपने आप ही समझ जाओ नेचर ऑफ पार्टनरशिप क्या है यहां पर, फिक्स पीरियड वाली। कौन से वाली बेटा? या चाइना वाली? अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, फिक्स पीरियड वाली पार्टनरशिप चाइना वाली पार्टनरशिप में कैसे कन्वर्ट हो सकती है। बताई थी ये बात? मान लीजिए, अब दोबारा सुन लीजिए, 5 साल के लिए मैंने फर्म बनाई, लेकिन बिजनेस कंटिन्यू मेरा इसके बाद भी है, तो यहां तक तो फिक्स पीरियड वाली मानी जाएगी, और यहां पर ये क्या मानी जाएगी? विल वाली। तो आप ये बताइए, क्या सेक्शन 17 नहीं लगा? चेंज ऑफ द फर्म हुआ या नहीं हुआ? जब नेचर ऑफ द फर्म ही बदल गया, क्या बदल गया बेटा? तो क्या सेक्शन 17 लगा या नहीं लगा? बस तो यही समझाना था। अब तुम्हें रटने की जरूरत नहीं आएगी। अगर कोई तुमसे नींद में भी पूछे कि चेंज ऑफ द फर्म बताओ, तो इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, तीसरा पर्पज ऑफ द फर्म बदल जाए, पर्पज का मतलब बिजनेस, चौथा नेचर ऑफ द फर्म बदल जाए। पॉइंट क्लियर हुई बात या नहीं हुई? पॉइंट सबको समझ में आई है बात? चलूं आगे बच्चों? पक्का बेटा समझ में आया? कब कब बदलती है एक फर्म? व्हेन? इन केस ऑफ इनकमिंग पार्टनर। दूसरा? यस। तीसरा? बिजनेस ऑफ द फर्म चेंज हो जाए, छोले भटूरे से किस पे आ जाए? मोमोज पे। पांच, चौथा फिक्स वाली किस में कन्वर्ट हो जाए? पॉइंट क्लियर हुआ बच्चे? अब आपको एक चीज और बताता हूं, जब आप वो लिखते हो टाइप ऑफ फर्म लिखते हो, तो वहां पर भी सेक्शन 17 नोट कर सकते हो। ये बात तो मैंने तुम्हें उसमें भी तो बताई थी मेन। तो एक बात कितनी जगह काम आ रही है, जब आप इनकमिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर लिखते हो, क्या लिखते हो? तो नीचे एक स्पेशल पॉइंट डाल सकते हो सेक्शन 17 का। कनेक्ट है नहीं है? समझे मेरी बात को? चलते हैं। एक मिनट, क्या क्या क्या? हाँ बेटे, हाँ बना लो, वो डिजोल्व होएगा ही नहीं बना ले, उसमें क्या बात है? बनाते भी हैं लोग बात, पहले पार्टनरशिप फर्म करते हैं 2-1 साल के लिए, देखते हैं सामने वाले को, फिर अगली बार बना देते हैं लंबे टाइम के लिए। ये तरीका भी है, समझे मेरी बात को? हाँ बिल्कुल। लाई का डेमो मान लो, या लाई का टेस्टिंग। डेमो तो फिर भी ऐसी है, टीचर को 2-3 दिन देखना है बस, लेकिन वहां पैसे का खेल है भाई। डेमो में तो तुम कुछ भी गा दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखना बेटा, एक मिनट प्लीज प्लीज, ए और बी पॉइंट पढ़ेंगे अपने आप। दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा बच्चों? ठीक है, ए और बी। और याद देखो, सुनो, ए में क्या लिखा है? राइट बिफोर द चेंज एंड आफ्टर द चेंज आर सेम। बी में क्या लिखा है? ड्यूटी बिफोर द चेंज एंड आफ्टर द चेंज सेम। पढ़ो पढ़ो और चेंज को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं चेंज को?
रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, क्या बोलते हैं बेटा लिख लो, चेंज इज इक्वल टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। आप बताइए इस लैंग्वेज में कोई दिक्कत है? कौन बच्चा के बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही वो हाथ उठाए प्लीज, बिल्कुल भी पल्ले ना पड़ रही। और कौन बच्चा है जिसके नियर टू इट है, तुझे कोई डाउट बेटा? लैंग्वेज नहीं आ रही? मेरा मतलब नहीं समझे आप, मेरा कंसेप्ट थोड़ा कितना वो थोड़ा बता, बता कहाँ डाउट है, ये थोड़ा मैं निकालना चाहता हूँ, क्या है बता, बता कहाँ तक आई है, ले माइक ले, पढ़ पढ़ बेटा, ऐसे कैसे पढ़ेगी मुझे कैसे सुनाई देगा, पढ़ जल्दी, तुम टीचर की बात मानते क्यों नहीं हो, पकड़, जब तक बोलना नहीं सीखेगी ये हिचकिचाहट खत्म नहीं होगी, चल पढ़ जल्दी, कहाँ दिक्कत है बेटी, पढ़ वहां देख के, पढ़ चल चल पढ़ पढ़, हाँ देखिए आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, वेयर द चेंज ऑक्यूर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जब नंबर ऑफ द पार्टनर चेंज होते हैं, जब नंबर ऑफ पार्टनर में क्या होता है चेंज होता है, द म्यूचुअल राइट आपस में उनके क्या राइट, ध्यान दे बेटी, एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, मतलब क्या है रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, यानी कि चेंज होने के बाद के राइट और चेंज होने से पहले के राइट रिमेन द सेम, क्या रहेंगे राइट और ड्यूटीज में कोई चेंज, नंबर ऑफ पार्टनर कम और ज्यादा हो सकते हैं क्या, लेकिन उस उनके कम या ज्यादा होने की वजह से उनके राइट्स में कोई फर्क, पॉइंट क्लियर, यही बात बताया था। दूसरा आफ्टर द एक्सपायरी, ये तो मैंने भी बताया था, अब बता बेटा कहां समझ में नहीं आया, लड़की आप बेटा आप क्लियर है, हाँ बच्चे, हाँ बिल्कुल, दोनों बैठे धंधा खत्म करो, क्या दिक्कत है, अभी तूने कहा दोनों बैठे तो सर घुमत घुमाओ, हाँ तो मुझे कुछ और पढ़ाना भी नहीं है, और मुझे कुछ पढ़ाना भी नहीं है, मैं तो कुछ और देख रहा हूँ यार बस, जिसे म्यूचुअल एजेंसी आता है, जिसे म्यूचुअल एजेंसी आता है 18 वो बाहर चला जाए, जिसे नहीं आता वो बैठा रहे, सेक्शन 18 म्यूचुअल एजेंसी, किसे किसे आता है सेक्शन 18 रेज योर हैंड्स, बिल्कुल अच्छी तरीके से आता है, ठीक है आप बाहर जा सकते हैं, जा सकते हैं, शैल नहीं है मी है, क्या नहीं है बच्चे शैल नहीं है, क्या है मी, बैठे चाहे तो बैठ भी सकते हैं, ऑप्शन ऑफ यू, आइए बेटा देखिए, पार्टनर्स टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म, पार्टनर क्या कुछ याद है, पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म,
बोले तो मैंने क्या बताया था कि मान लीजिए एक फर्म है जिसमें आपका P1 और P2 एक फर्म है जिसमें दो पार्टनर है, क्या बेटा समझ ले 18 को, ठीक है ना। उसमें दो पार्टनर हैं, तो ये दोनों पार्टनर एक दूसरे के क्या हैं? प्रिंसिपल एंड एजेंट। पहले इसे समझ लें, प्रिंसिपल कौन होता है बच्चे? प्रिंसिपल, और एक होता है एजेंट। प्रिंसिपल कौन होता है? एजेंट इज अ पर्सन, एजेंट इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब वो अपने लिए नहीं अपनी जिंदगी जीता, दूसरे के लिए काम करता है ना, ये तो मतलब हुआ। एजेंट एक वो बंदा है जो किसके काम बिहाफ पर काम कर रहा है, ध्यान से समझना बेटा। प्रिंसिपल इज अ पर्सन हु इज लाइबल फॉर द वर्क ऑफ इज एजेंट, है ना, फॉर द एक्ट ऑफ इज एजेंट। जल्दी जल्दी लिखिए जिसने ना लिखा हो प्लीज। कुछ बच्चे नए भी हैं, तुम्हारा भला हो जाएगा।